डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी विजन के बारे में कि जी हम तो विजन इसलिए नहीं कर सकते तो हम उसके लिए नहीं कर सकते। अच्छा ये कंटेंट मैंने टाइम लैंडर से लिया है, टाइम लैंडर जो है उनकी ये चंद स्लाइड्स हैं उनकी इजाजत के साथ, ताकि आप लोग बेनिफिट हो, क्योंकि ये दुनिया की जो ट्रेनिंग्स है ना ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये आम स्टूडेंट की तो रेंज में नहीं आती, लेकिन चूंकि आपकी बेनिफिट के लिए है तो वो बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि वो स्टूडेंट के लिए और इस तरह के मामला के लिए वो आपके लिए मतलब वो काम करते हैं ताकि आपके विजन क्लियर हो, उनका भी ये विजन है कि लोगों का विजन क्लियर हो। अब मसला ये है कि देखें वो एक गाँव में कुछ लोग थे ना, तो उन्होंने वो गाँव में उसमें कुएं में कुत्ता गिर गया, तो वो गए इमाम मस्जिद साहब के पास, उनके जी बदबू आ रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो कैसा करें उसमें से 40 डोल जो है ना पानी निकाल दें तो साफ हो जाएगा, ठीक है 40 निकाल लिए। उसके बाद वो गए हाजी भूत नहीं खत्म हुई, उन्हें यार 10-15 और कट छोड़, वो भी कट छोड़े हनी खत्म, अच्छा और कट छोड़ चालिए हनी जी नहीं खत्म, अच्छा कुत्ता कटे तो सा कुत्ता तो नहीं कटे। वो चार कुत्ते हैं जो आप भी निकालेंगे ना अपने मगज से दिमाग से, तो फिर पानी साफ नहीं होता। और पानी साफ करने वास्ते की करने, सब तो पहले की करने कुत्ता कह और पहले कुत्ते की गल कर, पहले कुत्ते असल जिंदगी का मकसद ही कोई। खैर जी बस ठीक है, हाँ जी बस ठीक है, इधर आए इधर उधर उधर सब्जी ते गरम बोर्ड ते फलाना ते ताश ते ओ ते ओ ते ओ ते, अगर जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं है तो ये कोई मकसद है? देखें इसको थोड़ा सा आगे, ये एक किताब है मुसन्नफ़ ने लिखी, इसका थीम ये है, आप एक अभी जा रहे हैं ना आप जिंदगी की शरारत, ठीक है, देखें जिंदगी में रिवर्स नहीं होता, आपकी लाइफ में रिवर्स नहीं है, आप पीछे नहीं जा सकते, आपके सामने दो रास्ते आ गए, ठीक है, अब आपने तय करना है यार मुझे इधर जाना है या इधर जाना, तो वो किताब आप पढ़ लें किसी को चाहिए मैं दे भी दूंगा, तो वो बंदे से पूछता है यार मैं किधर जाऊँ ना, इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, वो कह ले पहले ये बताओ तुम्हारी मंजिल कहाँ पे, अगर तुम मंजिल बता दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा सही रास्ता कौन सा है, और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने जाना कहाँ तुम इधर जाओ फिर भी ठीक हो तो जाओ फिर भी ठीक। अब आप ये देख लें कि हमने अपनी मंजिल का तयन किया या नहीं किया, अगर हमें अपनी मंजिल का पता होगा हम क्लियर होंगे, अगर पैसों की बात करें ना हमें पता होगा ना इतने अरब चाहिए इतने करोड़ चाहिए, फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं यार कि हम इसको किस तरह कमाएं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता, जान सारे पैसे बहुत सारे पैसे खैर है जी, तो फिर यही होगा ये कुत्ते हैं ना ये क्योंकि इधर पड़ा हुआ है ना, क्योंकि हम क्लियर नहीं है हमें पता नहीं है हमने करना क्या है, तो फिर ये सीन चलता रहेगा, तो फिर जब सीन चलता रहेगा तो फिर हमारी जिंदगी भी गुजर जाएगी और हमारी जो जिंदगी है उसको कोई मतलब भी नहीं होगा, तो क्या फायदा, ऐसे लाखों करोड़ों बड़े अपने आप को अलग शख्सियात में से शुमार करते थे लेकिन वो जब फौत हुए तो किसी ने जाना भी नहीं है कि तुम क्या हो, लेकिन चूंकि जिंदगी का मकसद का पता होना इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात यह कि आपको पता हो कि मैंने जाना कहाँ है, और ये जो जाना कहाँ पे है ना जो आपकी मंजिल है यही आपका विजन है, और चाहे आप उसको जिस जिस नजर से भी देखते हैं। दूसरा और जी बस जिसने टाइम आया ना देख इंसान, टाइम आया थे खैर है तैयारी ना कर दे पढ़ देना खैर है जाना है देख इंसान मसला नहीं, ऐसा होता नहीं होता, उसकी बेसिक रीजन ये है कि ये भी एक दूसरा कुत्ता है हमारे दिमाग में, तो फिर जब रिजल्ट आते तो हमारे साथ क्या होती है कुत्ते वाली, कुत्ता पहले निकाल ले पहले कुत्ता निकाल ले, अगर कुत्ता नहीं निकलेगा तो फिर क्या उसी कुत्ते वाली, हमारे साथ अलवी है ये पूरी कौम के साथ, हम तैयारी नहीं करते, हम ये करते हैं एट 11th आवर देखा जाएगा हालात ऐसे हैं, ओ जी ये मामला हैं, ओ जी ये हो गया ओ जी वो हो गया, लेकिन हम पहले तैयारी नहीं करते, ये भी मिसकंसेप्शन है हमारी किसके बारे में विजन के बारे में,
अब देखिए ना, एक बंदा यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, उसको कोई बताता है यार यहाँ पे तो पोल टूटा हुआ है, बात है ना, खैर देखता हूँ जो मतलब अगर इसने इस बंदे की बात अगर सुन ली, तो अगर ये इधर से दूसरी तरफ से चला जाए और अपनी जिंदगी जो है उसको कामयाबी से गुजार दे, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा देखा जाएगा, फिर यहाँ से जहाँ जाएगा, तो ये डबल सफर नहीं होगा सर? नहीं, अब देखिए ये आपके जहन के अंदर एक और होता है ना